यूट्यूब पीपल कैसे आप लोग सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खेर खैरियत से होंगे इन शह तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वन ऑफ माई मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी दाइसी होम मेड के एफ सी ये एग्जैक्टली सो आइए रेसिपी नोट कर इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा वन थाउजेंड ग्राम ज़्यादा बड़ी चिकन नहीं चाहिए और इसका हमें जो है ना स्किन रिमूव करनी होगी और सॉल्ट वाले पानी में मैंने इसको डिप करके रखा हुआ था आई एडिड वन टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और फिर हम उसको एक घंटे के बाद ये पानी डिस्कार्ड कर देंगे और हम चिकन को पैट ड्राई कर देंगे अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसमें वन टीस्पून सॉल्ट डालेंगे फिर टू टेबल स्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर या कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट फिर हम डालेंगे गार्लिक पाउडर वन टी स्पून आप पेस्ट भी डाल सकते हैं देन हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर फिर हम डालेंगे ब्लैक पेपर वन टी स्पून और टू टी स्पून मैं डालूँगी इसमें वेनेगर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चाइनीज सॉल्ट डालेंगे हाफ टी स्पून वो ऑप्शनल है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको ताकि सारे मसाले यू नो गेट कंबाइंड एंड देन इसको मैंने रैप करके फ्रिज में रख दूँगी ओवर नाइट के लिए सो इट इज़ गुड इफ़ यू कीप इट ओवर नाइट और एटलीस्ट थ्री टू फोर आवर्स अब लिक्विड बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी हाफ कप मैदा ऑल पर्पज फ्लोर हाफ कप कॉर्न फ्लोर हाफ टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून रेड चिली पाउडर ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट फिर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर वन टी स्पून बेकिंग पाउडर फिर टू टी स्पून वेनेगर और वन कप ऑफ चिल्ड मिल्क ये फ्रिज से निकाल के आप मिल्क को डालिएगा फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए अगर आपका बैटर है, तो आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल्क डाल सकते हैं ओके नेक्स्ट मैंने ले लिया है हाफ किलो मैदा और उसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया है आ, याद रहे दिस इज़ बेकिंग पाउडर ठीक है और बेकिंग सोडा नहीं है तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है अब मैं अपना जो ये चिकन है जो मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था उसको मैं निकाल रही हूँ और प्लीज़ चिकन को अगर आप फ्राई करेंगे तो एक घंटे पहले फ्रिज से निकाल लीजिएगा और राइट अब हम चिकन को लेंगे और जो ये मैदे का बैटर है हम उसमें डिप करेंगे और कोट करेंगे अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से उसमें मैदा लगा रही हूँ वी डोंट वॉन्ट एनी अदर साइड टू बी यू नो लेफ़्ट ओवर अब अच्छी तरह से डिप करने के बाद आप ये जो लिक्विड बैटर है उसमें अब आप डिप करेंगे और अच्छी तरह से इधर भी कोट करेंगे पूरा चिकन अच्छी तरह से कोटेड होना चाहिए इस लिक्विड बैटर में और उसके बाद वी विल ट्राई टू रिमूव द एक्सेस ऑफ द बैटर एंड देन वी विल डिप इट इन द मैदा अगेन तो अब मैं इसको मैदे में डिप करूँगी अच्छी तरह से और अच्छी तरह से उधर भी मैदे का बैटर पूरा आई विल कोट इट वेरी नाइसली आप चेक करें कि मैं किस तरह से मैदा uh, उसके ऊपर डाल रही हूँ एंड देन आई वॉन्ट टू बी वेरी नाइसली कोटेड इक्वली एंड देन कोट करने के बाद आपको टैप करना है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जब आप मैदा लगा लें उसमें फिर प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू टैप द चिकन प्रॉपरली इससे ये होगा जो भी एक्सेस मैदा होगा वो सब झड़ जाएगा सो so, हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि हम अच्छी तरह से उसको टैप करते जाएं अब हम बाकी चिकन के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए उसको भी अब आप देख रहे हैं कि मैंने सारे चिकन पीसेस को अच्छी तरह से मैंने बैटर में कोट कर लिया है सो इट्स ऑल रेडी टू फ्राई और अब मैं कढ़ाई लेके तेल गरम कर रही हूँ सो ऑयल इज सपोज टू बी हॉट वो हॉट होना चाहिए ताकि जब चिकन के पीसेस डालें सो शुड बबल अप लाइक दैट और फिर उस डालने के साथ ही मैं उसको मीडियम uh, पे कर दूँगी आँच ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए आँच हल्की करने की यही एक वजह है कि कुछ भी कच्चा पर ना रहे चिकन में बिकॉज हमने उसको बैटरी में भी कोट किया है तो और हमने चिकन को जब हम डाल देंगे ऑयल में तो प्लीज़ डू नॉट टच वो ख़ुद ही अच्छे से कुक हो जाएगा अब आप ये देख रहे हैं वंस इट इज़ लाइट ब्राउन तब मैंने उसको उसकी साइड चेंज की थी और मैं आपको लिफ्ट करके दिखा रही हूँ कि देखिए इज इंट लुकिंग सो क्रम बिल्कुल के की तरह है मैं तो कहती हूँ ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेरी रेसिपी ट्रस्ट मी इट इज़ सो आउटस्टैंडिंग अब मैं ये सारे चिकन पीसेस को आ, रैक के ऊपर रख रही हूँ आयरन रैक पे आ, अगर आपके पास ये रैक नहीं है तो कोई बात नहीं आप कोई भी छनी लीजिए उसमें डाल दीजिएगा ठीक है बट प्लीज़ इसको टिश्यू पेपर पे नहीं रखिएगा ठीक है और भी मैं बाकी जो भी पीसेस हैं मैं सारे पीसेस निकाल रही हूँ एंड यू कैन सी दे आर सो ब्यूटिफुल मैं बता नहीं सकती कितनी ये टेस्टी कोई चिकन है दे आर सुपर क्रिप्स एंड बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि इट इज़ नॉट लाइक के एफ सी ट्रस्ट मी जैसे ही मैंने आपको बताया है जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने आपको बताया आप बिल्कुल मुझे वैसे ही फॉलो करिए और बनाइए ट्रस्ट मी एवरीबडी विल बी शॉक एंड अमेज इतने कोई मज़े की ये डिश बनती है और ये मैंने इसको बिल्कुल प्लेटर में डेकोरेट कर दिया है आप चाहे अपने आइडियाज़ के थ्रू जिस तरह चाहे डेकोरेट करें दिस इज हाउ आई हैव डेकोरेटेड इट आई हैव पुट सम लेट्यूस एंड देन आई हैव इट अप विद के एफ सी पीसेज चिकन के होम मेड नेक्स्ट फ्रेंच फ्राइज़ मैंने डाल दिए थे अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं यू इमेजिन हाउ क्रिस्पी दे आर डिश मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी एंड डू नॉट फर्गेट टू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अंटिल दैन मैं इजाजत चाहती हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए आप सबको अल्लाफि Yummy!